मुंबई में एक रेप विक्टिम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी टीवी अभिनेता करण ओबेरॉय है। उसके लोगों के कहने पर पीड़िता को केस वापस लेने की धमकी दी जा रही है। आरोप है कि आज सुबह पीड़ित जब लोखंडवाला इलाके में मॉर्निंग वॉक पर गई थी, उसी समय एक बाइक पर दो लोग आए और बाइक पर पीछे से बैठे शख्स ने पीड़ित पर धारदार हथियार से हमला कर केस वापस लेने की धमकी देकर फरार हो गए। हमले के बाद पीड़िता ने वो शिवरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर दोनों अज्ञात शख्सों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता का मुंहवाला भाई सदा पटेल ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है जिन परिस्थितियों में पीड़िता पर हमला हुआ और धमकी भरा खत उसके पास फेंका गया, साफ है उसका फायदा आरोपी अभिनेता करण ओबेरॉय को ही होना था, इसलिए उनके अभिनेता और उससे संबंधित लोगों पर शक है। पीड़िता के मुंहवाले भाई का आरोप है कि पीड़िता पर एसिड अटैक करने की भी धमकियों दी जा रही हैं। उधर अभिनेता करण ओबेरॉय के वकील ने पीड़िता के बयान को बेबुनियाद बताया और आरोप लगाया कि करण ओबेरॉय को जमानत न मिले इसलिए पीड़िता उस पर केस लेने का मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। हालांकि अभिनेता करण ओबेरॉय फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। आज सवेरे 6:20 के दरमियान वही महिला बैक रोड लोखंडवाला एरिया से मॉर्निंग वॉक कर रही थी। उसी दरमियान दो लोग मोटरसाइकिल के ऊपर आए, उनमें से एक ने पीछे जो बैठा था उसने महिला के ऊपर चाकू जैसे हथियार से वार किया और एक चिट्ठी उसकी तरफ फेंक दी। वो चिट्ठी में लिखा था टेक द केस बैक। यही मामले में हमने एक केस दाखिल किया है और उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, क्या ये किसी भी तरह से अभिनेता करण ओबेरॉय से संबंधित है? उसी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये करण ओबेरॉय के मैटर में धमकी देने के बारे में जो आरोप लगे हैं, ये एक नहायत ही झूठे आरोप लगे हुए हैं। करण ने या करण के दोस्तों ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की जिसके द्वारा कंप्लेनेंट को धमकी दी गई हो, और हमें ऐसा लग रहा है इस तरह के आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से करण को जमानत मिलने में मुश्किल हो, और इस तरह के आरोप एकदम हम उसका खंडन करते हैं।